सिख कौम दुनिया के कोने कोने विच लोड़वंदा तक खाना पहुँचाउण समेत हर तरह की मदद विच लगी है। मनुखता की सेवा विच दिन रात एक कीता होया है। अपनी जान की परवाह किए बिना गुरुदेव सिंह दीन दुखियां की हर तरह मदद कर रहे हैं। पर जो तस्वीर खंडवा तो सामने आई हैं वह सिख कौम की मनुखता प्रति सेवा की भावना की एक वक्री कहानी बयान कर दिया हैं। इतने सिख भाईचारे वालों पिछले करीब 2 महीनों तो हुण तक 125 मृतक देहां नूं मुक्ति धाम तक पहुँचाया गया। इस दे नाल ही मृतक देह खराब ना होण इसलिए मृतक देहां नूं रखण लई फ्रीजर भी मुहैया करवाया गया है। किसी भी धर्म के व्यक्ति का देहांत होण ते अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम अदे कब्रस्तान तक शव पहुँचाउण की सेवा श्री गुरु सिंह सभा ने संभाली हुई है। लॉकडाउन विच हुण तक 2 वाहनां करीब 125 लाशां नूं अंतिम संस्कार के लिए पहुँचाया गया। किसी भी वक्त फोन से सूचना मिलद्या ही ड्राइवर सुरेंद्र सिंह भाटिया शोक समत परिवार के सहयोग के लिए पहुँच जाते हैं। यह सिलसिला करीब 10 साल तो चल रहा है। बेटे सतवीर सिंह भाटिया के सहयोग नाल वो 2 वाहनों का संचालन कर यह सेवा निभा रहे हैं। श्री गुरु सिंह सभा वालों इस सेवा के लिए संबंधित परिवार तो न्यूनतम वाहन मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है ताकि व्यवस्था निरंतर जारी रख सके। श्री गुरु सिंह सभा वालों किसी व्यक्ति के देहांत तो बाद अंतिम संस्कार तक शव सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर की व्यवस्था भी की गई है। इस तरह श्री कलगीधर साहब गुरुद्वारा च शव के लिए फ्रीजर उपलब्ध करवाया गया है। जरूरत पैण ते शहर के लोगों को फ्रीजर भी मुहैया करवाया जाता है। यह अपने आप में एक बाकमाल सेवा है जो सिख धर्म वालों निभाई जा रही है। खासकर कोरोना के इस दौर विच भी वो इस सेवा नूं जारी रखे हुए ने। जदों के मृतक देहां नूं लिजाण वेले मृतकां दे खुद दे रिश्तेदार भी कन्नी कतरा रहे ने, पर वो हर थां पहुंच रहे ने अते मृतक देहां नूं कब्रस्तान तक जां मुक्ति धाम तक पहुंचा रहे ने। उस मौके किसी दा धर्म नहीं देखदे। इह मृतक लाश किसी भी धर्म दे मनुख दी होवे, वो मनुखता दी सेवा विच दिन रात लगे हुए ने। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।